अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज फिर आप लोगों के सामने आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तो आज के व्लॉग में कुछ ऐसा हुआ, सुबह से खवार होकर, आज का पूरा व्लॉग मैंने आज शेयर नहीं किया मॉर्निंग का, मगर इस वक्त खवार होकर टुटे आ रहे असी कार आए हैं, घर आए हैं। तो हम हुआ ये कि घर आए तो खाना भी नहीं बना, पहले गए कॉलेज, कॉलेज में फॉर्म सबमिट करवाना था, फॉर्म सबमिट करवाए इतनी लंबी लाइन में लगकर, वो सबमिट हुआ, उसके बाद हम लोग आए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो हमारी खवारी हुई वो तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, इतनी खवारी हुई, इतना हम लोग थक गए, इतना थके हुए जिसकी कोई हद नहीं, और फिर आए भी पैदल घर तक। और उसके बाद घर आए, घर आके जो हम लोगों को सुनने को मिला, क्या सुनने को मिला कि खाना नहीं बना हुआ अभी तक। और खाना क्यों नहीं बना हुआ अभी तक, कि मम्मा की तबीयत सही नहीं, आप लोगों को जैसे कि पता है, तो इस वजह से खाना नहीं बना हुआ। तो अब हम लोग, फिर मैं गई नीचे, फिर मैं जाके मार्केट से बेसन लेकर आई, घर पे बेसन भी नहीं था। मैंने सोचा चलो पकौड़े बना लेते हैं जल्दी और ईजी, फटाफट बन जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। तो फिर गई नीचे से बेसन लेकर आई, अब बेसन लेकर आई तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ पकौड़ों की रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ और अपना व्लॉग भी शेयर कर देती हूँ, कुछ आ जाएँ आप लोगों के सामने फिर से। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं बेसन के पकौड़े बनाने के लिए क्या क्या करने लगी हूँ। यहाँ पे मैं कमरे में बैठ कर ही ना क्या कहते प्याज़ों को काट रही हूँ, मम्मा नमाज़ पढ़ रही है, मैं कहा मैं पहले काट देती हूँ फटाफट, ताकि हम लोग फिर फटाफट इसको बना लें, क्योंकि थके हुए भी इतना है और इतनी भूख लग रही है, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था मैंने, और इन आपी की वजह से मैं इतना खवार हुई हूँ जिसकी कोई हद नहीं, अपने तो हुई हुई, आपी की वजह से और ज़्यादा हुई। थैंक यू सो मच मुस्कान, आप मेरे लिए साथ गई। ओह माय गॉड, वेलकम वेलकम। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैंने सोचा कि मैं अब मैं किचन में जाकर फटाफट बनाना स्टार्ट करती हूँ। एक तो ये मुझसे फ्राइज़ नहीं कटते, पकोड़े वाले भी नहीं कटते, और ना ही वो दूसरे जो अपने फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए काटने होते हैं वो भी नहीं कटते, देख रहे हैं ना किस तरीके से कट रहे हैं ये, तो ये मैं नहीं काट सकती बिल्कुल भी भाई, ये मम्मा ही कर सकती हैं, और मगर इस वक्त मम्मा नमाज़ पढ़ रही है तो मुझे करना पड़ रहा है। भैया बंद कर दो भाई, ये बहुत बुरे फ्राइज कट रहे हैं। सो गाइस सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पे मैंने पोटैटोस को कट कर लिया है और यहाँ पे मैं ये ग्रीन चिली जो है ये कट कर रही हूँ, और उसके बाद इन सबको मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी एक बार फिर से, पहले भी मैंने किया था, एक बार फिर से वॉश कर लूँगी सही तरीके से, क्योंकि हमारे हाथों पे भी जर्म्स होते हैं तो वो जर्म्स भी इसमें से निकल जाएं, और आपको पता है कोरोना कितना फैला हुआ है तो एहतियात लाजमी है, चाहे वो आप अपने घर वालों के साथ ही करें या किसी और के साथ, एहतियात जरूर करें। मगर इनको अब मैं अच्छे तरीके से वॉश करती हूँ। मैं ब्लैक पेपर ऐड करने लगी हूँ, जैसे आप लोगों को पता है हम लोग रेड चिली नहीं खाते, तो हाफ टेबल स्पून ही मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया क्योंकि मामा भी खाएंगी। और ये चाट मसाला है, 1 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया इसमें, भर के चाट मसाले का कुछ नहीं होता, मज़े का होता है। ज़ीरा मस्ट है, 1 टेबल स्पून मैंने ये ऐड कर दिया इसमें, और उसके बाद ये धनिया, साबुत धनिया, इसको जो मैश करके हाथों पे यूं करके मसल के ऐड करना होता है वो मैं करूँगी, वो मेरे को नहीं आता, जैसे भी हुआ कर दिया। और सॉल्ट ऐड करूँगी, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से करें, मैं अपने टेस्ट के हिसाब से करूँगी। वैसे एक चीज़ बताऊँ, मैंने नोटिस की है सॉल्ट इसमें जितना मर्जी ऐड कर लो कम ही लगता है हमेशा जब मैं ऐड करती हूँ। और ये है मेरा बेसन, और सबसे मेन चीज़ इसकी अनार दाना जो इसके अंदर ऐड होके बहुत मज़े का लगता है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। और आप इसके अंदर धनिया पुदीना ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को वेजिटेबल बनाने हो वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, अगर किसी ने खाने हैं वेजिटेबल पकोड़े तो वो मुझे कमेंट में बताए, मैं उसको वो भी सिखाऊंगी, मुझे वो वाले भी आते हैं बनाना, वो भी मैंने मम्मा से सीखे थे।
इसके अंदर ये ऐड करने लगी हूँ। वीडियो बनाते बनाते तीन बार मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिया और मैंने बोला अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ और वीडियो देखी ऑन ही नहीं थी। तो ये यहाँ पे ये ऐड कर रही हूँ, जितना हमें चाहिए होगा उतना ऐड करेंगे। जब मैं अच्छा मुझे ऐसे समझ नहीं आती जब तक मैं इसके अंदर पानी डाल के इसको घोलूँ ना सही तरीके से, फिर मुझे समझ नहीं आती कि क्या है, कितना ऐड करना सही किया ऐड या नहीं किया। तो इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ सारे मसालों को और आलू शालू जो भी हमने कटिंग किया उसको और बेसन को। मेरे तो मोस्ट फेवरेट है, कल से हम लोग सोच रहे थे बनाने का पर सुबह सुबह चले गए और जो हमारी खवारी हुई आज के दिन की ना पूछें भाई, हमें पता है हमारी खवारी कैसी हुई है। मेडिसिन मगर शुक्र है मेडिसिन हमें मिल गई, जिस चीज़ के लिए हम गए थे वो काम हमारा हो गया। मैं इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से क्या कर लूँगी, घोल लूँगी, मिक्स कर लूँगी। मतलब क्या हाँ उतना उतना पानी डालेंगे जितनी जितनी जरूरत। आप बोल सकती हैं यार, आप मुझे पता है आपको आता है, आप बताएं उनको। ये भी बहुत अच्छे कुक हैं, इन्होंने भी कोर्स किया था ना, आपने तो कोर्स किया था। प्रॉपर कोर्स नहीं किया था, कुछ दिन की क्लासेस ली थी जस्ट चाइनीज, और मैंने तो वो भी नहीं ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, और फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी पता नहीं कैसे। और मैंने तो वो भी नहीं की, और मैं हमेशा फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लेती हूँ कानों में। अच्छा मैं इसके अंदर बेसन और भी ऐड करूँगी क्योंकि ये बेसन कम है। यहाँ पे ये देखिए बेसन ऐड कर रही हूँ, और इसके साथ ना मैं एक चटनी बनाती हूँ इमली की। उफ क्या मज़े की चटनी होती है यार वो, बट अभी नहीं बनाऊँगी मैं वो, अगली रेसिपी में आपको किसी भी रेसिपी में दिखाऊँगी बना के, क्योंकि वो ऑलरेडी रखी हुई है। इस वजह से मैं आप लोगों को किसी और रेसिपी में बना के वो दिखाऊँगी, वो बहुत मज़े की बनती है। सुमन सोनी आप ही को भी बहुत पसंद है, ये अपने स्कूल भी बनवा बनवा के लेकर गई है मेरे से। और इसके अंदर मैं अब एक और चीज़ ऐड करूँगी, वो है मैदा। उससे मेरे पकौड़े बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार से बनेंगे। और आप तो मैदा और अंडा भी ऐड कर सकते हैं, अंडे से भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। ये मैंने थोड़ा सा मैदा ऐड किया और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और सबसे मज़े की बात आप लोगों को मैं बताऊँ, मैं इंस्पायर्ड हूँ एक फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मम्मा की रेसिपी से, और दूसरा कुकिंग विद शबाना की रेसिपी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। मुझे उनकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, मैं उनके हर व्लॉग देखती हूँ, हर रेसिपीज़ देखती हूँ, फर्स्ट मम्मा दूसरी कुकिंग विद शबाना। आप लोगों ने अगर उनको फॉलो नहीं किया तो आप लोग भी उनको भी फॉलो करें और हमें भी फॉलो करें। आपको कैसी लगती है कुकिंग विद शबाना? आंटी शबाना कैसी लगती हैं आपको? मैं सोनिया मुझे भी बहुत पसंद है और मैं डेली उनके व्लॉग्स भी देखती हूँ। अंबर आपी के व्लॉग्स भी मैं बहुत देखती हूँ। हाँ अंबर नास के भी बहुत अच्छे होते हैं। अंबर और बेस्ट कपल है सीरियसली, मोहसिन भाई का और अंबर आपी का बहुत ज़्यादा अच्छा कपल है माशाल्लाह से, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए उन दोनों को, आमीन। और लोग पता नहीं क्यों उनके बारे में गलत गलत बातें करते हैं, अल्लाह ताला ने एक जोड़ी बनाई है तो मेरे ख्याल से हम नहीं कुछ होते, हम नहीं होते कुछ गुने कुछ गलत कहने वाले, अल्लाह ताला ने एक जोड़ी बना दी है तो हमें सिर्फ माशाल्लाह कहना चाहिए और दुआ देनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे ऑयल के लिए कढ़ाई रखी है और इसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। तुम लोगों ने मेरी मम्मा की ऑयल वाली बोतल तोड़ के आए हो पुराने घर से? हाँ ये हाइका के काम है, ये शिफ्टिंग में वो जो ऑयल वाली बोतल थी, लेकिन ये कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये लोग चीज़ें जो हैं न्यू खरीद रहे हैं, क्योंकि न्यू घर माशाल्लाह बना है तो फिर चीज़ें भी न्यू आ रही हैं। तो अभी हम यहाँ से सारी चीज़ें ना सफाई कर लेते हैं। वैसे मुस्कान आप जो है ना काम करते हुए बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू थैंक यू, आप इस टाइम सुकून से खड़ी हो बाद में बर्तन आ, लेकिन वीडियो बनाना भी बहुत है, कि काट का काम है उसमें भी बंदा जो होता है वो थक जाता है बहुत ज़्यादा। सही बात है, हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर मैं थोड़े थोड़े पकौड़े ऐड करें छोटे छोटे। ये देखें आप
नज़दीक से दिखाएं, ये देखें ऑयल कितना अच्छा गर्म हो गया। और मैं ये सारे अपने आहिस्ता आहिस्ता पकौड़े इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आई होप अच्छे बने, क्योंकि बहुत टाइम बाद बना लिए ना पकौड़े में। अभी तक मैंने साइड चेंज नहीं की, ये पकौड़े ऊपर आए हैं, अब मैं इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ आराम से सुकून से। पता लग रहा है पकौड़े बन रहे हैं आज, खुशबू। ये देखें अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है, और इसको मैं अच्छी तरीके से रेड होते हैं ना वो वाले रेड वाला कलर दूंगी और फिर इसको निकाल लूँगी। और अब रोटियाँ भी बनानी है मैंने, यस। तो फिर मैं साथ में रोटियों का भी इंतजाम कर लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि अभी आपके होस्ट और दोस्त हाइका शहजादी जब आएंगी ना फिर आप देखिएगा उनका रिएक्शन कि अभी तक रोटी नहीं बनी, जैसे हम लोग तो फारिग थे। तो ये हमारे देखे पकोड़े भी रेडी हो रहे हैं, और मजे की बात बताऊँ क्या है, पापा की कॉल आई तो कह रहे हैं रोटियां मैं भिजवा देता हूँ, आप लोग ना अपना घर पे, मैं बाजार से भिजवा देता हूँ। तो मेरी रोटियां बनाने की काम, रोटियां बनाने का काम खत्म, शुक्र है। बस अब ये पकोड़े रेडी हो जाए सारे और फिर खाएंगे। हे हमारे पकोड़े जो है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे। पता नहीं इसमें ना कैमरे में ये थोड़े थोड़े रेड नहीं आ रहे, मगर असल में भी इसका कलर रेड हो चुका है पूरा, तो हम इसको अब निकाल लेंगे उससे पहले ये जल जाए। ये मैंने पकोड़े यहाँ से निकाल लिए और ये इतने मज़े के लग रहे हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। ये देखें आलू भी बिल्कुल इसके पक चुके हैं और ये इतने क्रिस्पी है क्रंची खाने में, मज़ा आ गया सच में, बहुत मज़े के हैं। और ये दूसरा वाले मैंने डाल दिए योजने के, फिर ये भी निकाल लूँगी, फिर ये वाले डालूँगी, ऐसे करते 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 जब तक ये ख़त्म नहीं होता यही सिलसिला चलता रहेगा। ये देखें ये रेडी हो रहे हैं, क्या खड़खड़ लगाई हुई है हाइका। और ये भी जैसे उनकी तरह का कलर एख्तियार कर लेंगे, अपना लेंगे, वैसे फिर हम इसको निकाल लेंगे। और भी रेडी हो रहे हैं, और यहाँ पर ये वाले सारे रेडी हो चुके हैं, कसम से बहुत मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहे हैं, मज़ा आ गया मैं खा के भी और देखकर भी। सो फाइनली मेरे पकोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी से रेडी हो चुके हैं मैं, और इसको मैं खा रही हूँ। अबे आप तो हटो, आप खा ली क्यों, ठीक है। और केचप वगैरह मायोनीज वगैरह सब के साथ मैं इसको चट कर जाऊँगी मज़े मज़े से, और बड़े मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी हैं ये, क्रंची हैं देखें। मज़ा आए, तो आगे रेसिपीज आप देखते रहिएगा हमारे चैनल पे, और देखते रहिएगा हम क्या करते हैं, क्या पकाते हैं, और शाम तक हम क्या करते हैं इस व्लॉग में। मेरे ये यम्मी से मज़ेदार से पकोड़े रेडी हो चुके हैं और बड़े मज़े के लग रहे हैं, अब खाने में कैसे होंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, इंशाल्लाह मज़े के ही होंगे। तो बस खाते हैं और जल्दी से हज़म करते हैं सब।